तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आपको बताएं, दो दिन का ये दौरा, लेकिन कल का दिन भी अहम, आज का दिन भी अहम। मतो समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मतुआ समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से कुछ ही क्षण पहले उन्होंने संबोधित भी किया था। आज जोगेश्वरी मंदिर पहुंचे, बंगबंधु को भी याद किया और कंडी मतुआ समुदाय के धर्मगुरु को भी नमन किया, लोगों के बीच पहुंचे और वहां पर दोनों मुल्कों की साझेदारी और दोनों मुल्क किस तरीके से एक साथ आगे बढ़ेंगे तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए, तमाम ऐसे पहलू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते नजर आए, विकास में किस तरीके से दोनों एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं उसका जिक्र भी किया। मतुआ समुदाय को संबोधित कर रहे थे, जहाँ पर सबका साथ सबका विकास और का विश्वास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात भी कही। इस बीच आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि भारत बांग्लादेश मैत्री संबंधों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के दौरे पर, दो दिन के, आज दूसरा दिन है। औरकंडी में मतुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की पहले। औरकंडी वो जगह है जहां पर मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था, और मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल में वहां पर जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, वो 30 ऐसी सीटें जहां पर चुनावों में अगर वोट के लिहाज से देखा जाए तो ये समुदाय बहुत अहम माना जाता है। बहरहाल ये वो तस्वीरें जब नमन करने, पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, तो उत्तराखंडी में मतुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना वहां पर उन्होंने की। आज दूसरा दिन है, मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कई सालों से इसी अवसर का इंतजार कर रहा था। तो बांग्लादेश की 2015 की यात्रा के दौरान मैंने औरकंडी आने की इच्छा जाहिर की थी और वो इच्छा आज पूरी हुई है। साथ ही साथ खुद को कनेक्ट करते मतुआ समुदाय के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज ठीक वैसा ही फील हो रहा है जैसा कोई हिंदुस्तान में मतुआ समुदाय का शख्स अगर यहाँ पर आकर जैसा फील करेगा, मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, उसी तरह का अनुभव हो रहा है। तो खुद को एक तरीके से कनेक्ट करने की भी कोशिश प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने साथ ही साथ इसका जिक्र भी किया कि मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में जब मैं गया था, तब उन्होंने इसका जिक्र किया कि वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार किया था। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, खुद को कनेक्ट करने की कोशिश, और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है, चाहे वो कहीं भी किसी भी मुल्क में जाएं, लेकिन खुद को उसके साथ जोड़ना और ये बताना नहीं भूलते कि कैसे वो उन्हीं में से एक है। चित्रा बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने, यही कारण है कि ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके लिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल आत्मीयता से अपने संबोधन में तमाम बातों का जो मतुआ संप्रदाय से जुड़ी हुई है उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, और उसके बाद क्योंकि ये लोग बहुत ही सभी से इंतजार कर रहे थे पीएम का, उन्होंने खुद ही कहा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आएगा इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं कर रखी थी, लेकिन इन लोगों की इच्छा पूरी हुई है और प्रधानमंत्री अब नजदीक से उन तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मतुआ संप्रदाय की न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी अपनी अलग महत्ता है, और इस समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश, क्योंकि माना जाता है कि अगर 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की ये बड़ी आबादी, तो उसे 10-11 करोड़ जो मतदाता है पश्चिम बंगाल में, अगर ये बड़ी आबादी एक तरफा किसी के पक्ष में वोट करेगी तो उसके लिए वहां की सत्ता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। यही कारण है कि देखिए बांग्लादेश में एक तरफ वो जो वर्ग जिसने बहुत संघर्ष किया था जब बंटवारा हो रहा था उस समय, क्योंकि धर्म के आधार पे बंटवारे का जब स्थिति बनी, तो उसके बाद कुछ लोग बांग्लादेश में आ गए, कुछ लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर पर बच गए, उसके बाद ही इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। जी चित्रा बिल्कुल, चित्रा त्रिपाठी मेरे से होगी जानकारी दे रही थी। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।